भैया फ्राइडे सैटरडे संडे टोटल लॉकडाउन है। नमस्ते मध्य प्रदेश के रीवा में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन आज सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है। लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर रीवा पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। शहर सहित समूचे जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और घर से बाहर निकल रहे लोगों को सख्ती के साथ वापस भेज रही है। पूरा जिला छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। रीवा IG उमेश जोगा, DIG अनिल सिंह कुशवाहा, SP राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर जिले भर के थाना प्रभारी 3 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। आधा सैकड़ा से ज्यादा पॉइंट में पुलिस बल तैनात है। दर्जन भर से ज्यादा मोबाइल यूनिट शहर में दौड़ रही हैं। जिले भर का प्रशासन लोगों से संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहने की अपील कर रहा है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। वहीं जिले में जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर आवागमन बाधित किया गया है। इसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर बेवजह निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग TV सभी लोगों से अपील करता है कि वे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहें।
आज कोरोना कर्फ्यू में किस तरह की व्यवस्था है लोग घर से बात सर? लॉकडाउन है, दूध 8 बजे तक खुला है। मेडिकल में जो बीमार है उनको आने जाने की सुविधा दी जा रही है, बाकी सभी प्रकार से प्रबंध लगाए। सर उसके बावजूद भी बहुत लोग निकल रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है, नहीं मानते हैं, उनको मनाया जा रहा है, बाकायदे सख्ती बरती जा रही है। आप कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील तो अब हम क्या करेंगे, अपील यही है कि इतनी महामारी है, इतनी महामारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं। लोगों को माइक से समझाया जाता है कि जिस वक्त तुम पॉजिटिव हो जाओगे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर हो जाएंगे, दूसरे की बात छोड़ो, इसलिए सुरक्षित रहो, घर में रहो। ये शहर स्थित चेक पॉइंट है जहाँ शहर एंट्री होती है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है, किस प्रकार लोग पालन कर रहे हैं? ये 3 दिन का ये संपूर्ण लॉकडाउन जो माननीय कलेक्टर साहब द्वारा लगाया गया है, इसके तात्पर्य ये यहाँ पे चेकिंग शुरू है और लोगों से आमजन से अपील कर रहे हैं कोई भी घरों से बाहर ना निकले। बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आवश्यक सेवाओं की ज़रूरत है, जैसे दवाई किसी को लेने जाना है तो उसके लिए यहाँ छूट है, पर वो भी COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए वो जा सकता है। पर जब तक अगर कोई बहुत ज़रूरी अगर नहीं है तो घर में रहें, क्योंकि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि लोग घर में रहें, तभी हम इससे निजात पा पाएंगे। और उसके लिए सुबह 5 बजे से यहाँ पॉइंट में लगे हुए हैं, लगातार लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं और जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही भी कर रहे हैं। सर लगातार समझाइशें दी जा रही हैं, हिदायतें दी जा रही हैं, उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, जनता को क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो यही है कि अगर रीवा को सुरक्षित रखना है, रीवा को ये कोरोना कर्फ्यू से बचाना है, लगातार आप देख रहे हैं कि 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन क्यों किया गया, क्योंकि आंशिक लॉकडाउन आंशिक कोरोना कर्फ्यू से ये मामले भी कम नहीं हो रहे थे, दूसरा लोग समझ नहीं रहे थे, सब्जी मंडी में लगातार भीड़ लगा रहे थे, उसके लिए आज सब्जी मंडी ही बंद कराई गई है और तमाम मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और दूध की दुकानों को छोड़कर सभी बंद किया गया है। तो लोगों आमजन से यही अपील है कि बिल्कुल घर में रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें, ताकि ये 3 दिनों में इसके मामले भी कम किए जा सकें, ताकि ये कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढील दी जा सके। चूँकि लोगों को बचाना है अगर, तो आपको घर में कुछ दिन की परेशानी सहनी होगी। हम लोग आपके लिए यहाँ रोड में खड़े हुए हैं, तो आप कुछ दिन के लिए जो भी लगातार प्रशासन का निर्देश है उसको पालन करिए, ताकि हम इस कोरोना की चेन को तोड़ सकें और सबको इसमें कोई परेशानी भी ना हो। सर आज कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, लगातार ही हिदायत देने के बाद भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए आज सवेरे से 6 बजे से हमारी जितने भी शहर के थाना मोबाइल हैं और साथ में हमारे DSP हेडक्वार्टर, CSP और DIG साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय सभी के द्वारा निर्देशित किया गया था। तो हम लोग आज सवेरे 6 बजे से निकले हैं, जिसमें जो है जो अनावश्यक घूम रहे हैं, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, दूध हैं, उसको उनको छोड़ के और मेडिकल वालों को छोड़ के, अस्पताल को छोड़ के, बाकी जितने भी जो लोग हैं अनावश्यक घूमने वालों को आज निकलने नहीं देना है। कोरोना कर्फ्यू का पूरी 100% पालन हो इसको सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग निकले थे। करैया मंडी पूरी तरह से बंद है, सड़क पर जो भी अनावश्यक घूमते जा रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, अगर तथ्य उनके नहीं मिल रहे हैं कि किस लिए घूम रहे हैं या कोई मेडिकल के लिए नहीं है, अनावश्यक घूम रहे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। फिलहाल हम लोगों ने गाड़ियों की हवा निकाली है, कुछ लोगों को थाने भी भेजा है, 151 की कार्रवाई भी कर रहे हैं। लोगों को क्या मैसेज? पब्लिक को यही मैसेज देना है कि 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन है, कृपया इसका पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।